सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। तो भाई साहब आपके सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे यार। तो हमारे दोनों चाचा, एक सुभाष चाचा और अरविंद चाचा, यहाँ पे ऑटो प्रसाद आ चुका है और प्रसाद टेस्ट करेंगे यहाँ पे। हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आ चुके हम नई वीडियो के साथ, नए एंटरटेनमेंट के साथ। तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। आज मेरा बर्थडे और बहुत सारा प्यार मिल सका है सुबह ही, मतलब लगभग टाइम हो रखा है अभी 8 बज रखे हैं और सुबह ही इतने सारों का प्यार मिल गया ना, लगभग मैसेज आ ही जा रहे। तो आपका पहले तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज मंदिर में पूजा भी है और मेरा जन्मदिन भी है, तो इससे बड़ा तोहफा मुझे और कुछ नहीं मिल सकता भाई। जो मेरी कालिका माँ का मंदिर है वहाँ पे आज पूजा है और साथ में मेरा जन्मदिन भी है, तो इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। बाकी आज आपको फिर से पहले मंदिर में जाएंगे, पूजा वूजा करेंगे लगभग 1-1.5 बजे तक, फिर उसके बाद पार्टी का सोचेंगे कि क्या सीन है, क्योंकि अभी माता के चरणों में जाना है हमें। बाकी चलते हैं, अभी आपको भी ले जाते हैं आज। ऐसा भी से देखो, ये भी मेरे साथ चलने लगता है कहीं भी। भाई आज भी आ रहा है क्या? हैं, आज भी आ रहा है मेरे साथ? हैं, इधर तो देख, देखो आजा, चल आजा। तो गाइस अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं, अपने गांव के बीच बीच से जा रहा मस्त मजे से। आज फिर से पूजा, आज मैं बहुत लेट हो गया क्योंकि सुबह से मैसेज पे लग गया और सुबह से ना सबके रिप्लाई देने पे लग गया, शुक्रिया शुक्रिया करके, और लेट हो गया आज मेरे लिए। सब पहुँच चुके हैं और मैं लेट पहुँच, मतलब मैं लेट जा रहा हूँ, उसका दुख भी है मुझे। तो पहले जल्दी से चलते हैं क्योंकि फिर डांट खानी पड़ेगी मुझे। और ये सामने ये पेड़ देख रहे होंगे ना, ये क्या कहते हैं इसे, शिमला, हाँ शिमला कहते हैं इसे, शिमला पता नहीं कुछ ऐसे नाम है इसका, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसमें देखो रुई रुई की रुई टाइप की निकलती है कुछ, ये देखो इतना ही ओपी लग रहा है ये पेड़ भी आज। बाकी हल्की सी धूप, एकदम सुबह की धूप निकल चुकी है, मस्त मजा आ रहा है। ये देखो हल्की सी धूप। A few moments later. अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मालू के पत्ते ले रहे हैं। आज माँ कालिंगा भगवती का पूजन है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 4 दफ़े ये पूजा होती है, एक चैत्र मास में होती है, एक ज्येष्ठ मास में होती है और एक सावन मास में होती है और एक मंगसीर मास में होती है। तो आज ज्येष्ठ माँ की पूजा माँ कालिंगा भगवती की है, तो उसके लिए जो हमें माता रानी के प्रसाद के लिए जो पूजा सामग्री हम जिसको कह सकते हैं घरेलू, उसमें ये मालू के पत्ते देखिए, छोटे भाई नीरज इनको तोड़ रहे हैं और ये बहुत शुभ माने जाते हैं। और मालू के पत्ते देख सकते हैं आप, देखिए हमें बिना बेचे ये पहले अच्छा। इन्हें रखते हैं, फिर उसके बाद बड़े वाले ले जाएंगे हम, बड़े हाँ। वाले और काम के लिए, ये मेन पूजा के लिए चाहिए जी, लाइए पहले इसे रखो, उसके बाद हम लाएंगे। क्योंकि ये चीजें आज की जनरेशन को सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जनरेशन आगे बढ़ रही है तो अपने जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो हमारी पुरानी रीतियां हैं, उनको विलुप्त वो होती जा रही हैं, तो वो चीज़ें विलुप्त ना हो, तो इसी को आगे लेते हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए मालू के पत्ते, और सभी जो इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर इस चीज़ को समझे कि मालू के पत्ते आखिर होते क्या हैं। जो खुले हुए ना। अभी हमने जो ये गढ़वाली भाषा में जिनको अपूट बोला जाता है कि जो बिना अभी जैसे कहते हैं कि कोई भी पॉलीथीन होती है तो पूरी पैक होती है, तो उसके बाद जब हम खोलते हैं तो तब हम उसमें कुछ खाते हैं, तो इसी तरीके से ये भी पूरे पैक हैं, इनको अभी खोला नहीं गया है, इनको पुजारी जी खोलेंगे। तो अभी हम फिर नीरज भैया इन पत्तों को तोड़ने के बाद अब दूसरे पत्ते तोड़ रहे हैं, देखिए जो खुले पत्ते हैं और पेड़ में चढ़े हुए शानदार। और आज का पावन दिवस माँ भगवती के दिन पर है और नीरज जी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस पावन दिवस पर इनका जन्मदिन है और माता कालिंगा भगवती का आशीर्वाद सदैव इन पर ऐसी बना रहे, ये दिन रात तरक्की करें और हंसते मुस्कुराते रहिए ये, और बस माता रानी की सेवा में सदैव ऐसी तत्परता से लगे रहें। बहुत अच्छा लगता है कि जब देखिए, थोड़ा मुझे भी नहीं था पता इस विषय में इतना, लेकिन देखिए हमसे छोटे भाई हमारे नीरज हैं, क्योंकि लगातार हर बार जब भी माता रानी का पूजन प्रत्येक वर्ष में 4 बार होता है, तो इनका ही काम होता है कि ये मालू के जो पत्ते हैं उनको लाने का।
तो इनको पूरी तरीके से भली भांति ये इस चीज़ से परिचित हैं कि किस तरीके से पत्ते लेने हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए इस बार मैं भी इनके साथ आया हूँ और मैं भी ले रहा हूँ इनके साथ मालों के पत्ते, क्योंकि अगली बार अगर ये कहीं जाते हैं, कहीं अपने रोज़गार के लिए कहीं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो घर में ही रहता हूँ तो मुझे अगली बार ये मौका मिलेगा शायद, तो मैं इस चीज़ को ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि नीरज भैया ने जो मुझे बताया है, मेरे छोटे भाई हैं, कि किस तरीके से आपको मालों के पत्ते कैसे तोड़ने और किस तरीके में ले जाने हैं। तो इसके लिए मैं नीरज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है, सीख कभी भी बड़ी या छोटी नहीं होती है, सीख जो होती है वो हमेशा सबसे लेनी चाहिए, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। देखिए नीरज भैया कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखिए। हाँ, ये डोर भी ले जानी है, क्योंकि ये डोर ले जानी पड़ती है, क्योंकि जो केर होती है शायद उसको बांधने के लिए इस डोर का प्रयोग किया जाता है, मालों के पत्ते की ये डोर होती है। बहुत मालों के जो पत्ते हैं वो आपने देखा होगा कि कई शादियों में भी इन पे भोजन परोसा जाता है, और बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि हमारे पुरानी रीति हैं, पुराने संस्कार हैं, और घरेलू चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। तो मैं आज की जो हमारी नई जनरेशन है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, कृपया अपनी इन चीज़ों को संवारें, जो हमारी पुरानी संस्कृति की चीज़ें इनको संवारें। तो अब मालों के पत्ते तोड़ने के बाद निकलते हैं फिर एक बार पुनः हम माँ कालिंका भगवती के चरणों में, और आपसे पुनः भेंट करेंगे वहीं। तब हम आ चुके हैं मालों के पत्ते और क्या कहते हैं मालों की बेल लेके, ये सामने प्रधान जी इनके साथ जा रहे हैं। हम अब चलते हैं इसे लेके जल्दी से मंदिर में और बाकी काम करते हैं मंदिर का। तो हमारे दोनों चाचा, एक सुभाष चाचा और अरविंद चाचा, यहाँ पे आटा ओल रहे हैं, और साइड में हमारे दूसरे चाचा बालमुकुंद चाचा भी हैं, भाई बैठे हुए, भाई भी हमारे नहीं मतलब अभी सबका काम बटा हुआ है, तो भाई रेस्ट पर है, वो थोड़ी देर बाद करेंगे काम, बाकी सभी देखो बैठ रखे। और यहाँ पे दीपू भाई, पता नहीं क्या दीपू भाई क्या प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, किसके लिए? बूढ़ों के लिए तेल तो डाला ही थी भाई, तेल का गर्म हो रहा है डालो डालो तेल डालो, बाकी सेट पॉज में यहाँ पे देखो भाई साहब, अभी यहाँ पे धूप बढ़ रही है, तो हम टेंट लगाने की सोच रहे हैं यहाँ पे, ताकि धूप से थोड़ा बचाव मिले, तभी पहले से लगाते हैं जल्दी से। तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लिया है कि पहले एंगल बिछाया, फिर उसके ऊपर ईंट बिछाइए, यहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रकार का है, और नीचे टेंट है, तो बाकी वहाँ इन दोनों पेड़ में, ये वाला पेड़ है और ये वाला पेड़ है, इन दोनों पेड़ में रस्सियाँ बांधेंगे, फिर उसके बाद टेंट लगाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत धूप होगी, तो जो बनाएंगे ना उन पर साइड इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसके लिए हम ये बना रहे हैं। और ये कौन आया? ये शायद हमारे गोलू भाई हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, जी हाँ ये हमारे गोलू भाई है। गोलू भाई बहुत लेट पहुँचे भाई, तुम पेनल्टी पड़ेगी अब तुम पे, सब काम करो अब, सब काम करो अब, पेनल्टी पड़ेगी तुम पे। हेलो मेरे भाई, नाइट चल रही है, छः बजे तक छूटूंगा तो चलो चलो काम करो अब, अब चुपचाप काम पर ले जाओ, लेट होगा तुम। बाकी अब इसे लगाते हैं, मैं यहीं पे रहूँगा, क्योंकि ताकि गिरे ना ये चेक करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ज़्यादा टाइट खींच देंगे। ये टेंट लगा लिया हमने, और यहाँ पे घोड़े बनाए जा रहे हैं, लग गए सब काम पे। अच्छा ये पुए हैं, कुर्सी ठीक ला रहा हूँ, लो लो, बाकी यहाँ पे पुए बन रहे हैं अभी, तब उसके बाद घोड़े बनेंगे, बकेती स्टार्ट। ख्याल रखो जी कि भाई तुम लोग धाम रहे हैं, अतः तुम बोलो कह रखा जो तुम्हारे इधर ख्याल है। नीरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हमें तो बहुत उम्मीद है। गोलू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी रस पकड़ जाए, मतलब हाई आइटम से बड़ा रस पकड़। बहुत उम्मीद है। बाकी यहाँ पे ताऊ जी ये प्रसाद बना रहे हैं, दूध और चावल का, और इसमें घी भी डाली जाएगी, देसी घी शुद्ध, जो कि खट्टा करते हैं यहाँ पे, और ताऊजी लगे यहाँ पे प्रोसेस पे। तो ये चाचा जान हमारे क्या कहते सफाई कर रहे हैं मंदिर में, पहले राहुल भाई ने किया, हमारे पंडित जी, ये देखो आज इनके बस रहे, देखो तुम एकदम मनमोहित। बाकी ये मंदिर है, माता का मंदिर कुछ ऐसा, तभी जाएंगे, अभी तो बाकी काम ही कर रहे हैं।
और व्यू एकदम बहुत ही तगड़ा और का है। गाइस अभी हम जा रहे हैं सिद्ध में और यहाँ पे प्रसाद है ढका रखा है शुरू। ये देखो ये जा रहे हैं। हेलो गाइस इस पे ध्यान दीजिए भाई, उसी पे ध्यान है, उसको मैं फुल सिक्योरिटी पे ले जा रहा हूँ। बाकी अभी सिद्ध में ले जाएंगे आपको, वहाँ का माहौल दिखाएंगे। हाँ चाचा जी क्या करें आप, भगवान इनको बहुत लंबी आयु दे। वो तो आएगा ही, वो तो मेरा रक्षक है, वो मेरा रक्षक है, वो तो आएगा ही। बाकी अभी चलते पहले कॉन्सेंट्रेट इस पे करते हैं पूरा, क्योंकि ये गिरा तो ये मेरे को नहीं रखेंगे यहाँ, इसलिए पहले इसको बचा के ले जाता ऊपर। ये हमारे भाई दिल्ली से आ रखे हैं यहाँ पूजा में आज। बोल भी लोगों से ये थोड़ा ना गंदा भाई, हाथी थोड़ा हिलाना। वृंदावन धाम से बुला रखे हैं, कंठ में क्या है इनके, कंठ में क्या है, कंठी माला धारण कर रखी है। अच्छा शुद्ध शाकाहारी सही में शुद्ध शाकाहारी, परसों तो मैंने अंडे में देखा तुम्हें, अंडे में लहसुन भी छोड़ा प्याज भी छोड़ा है। सही बताओ मजा मज लहसुन त्याग दिया कब से, ये रात कल से एक साल हो गया। धाम के उपासक बन चुके हैं कि ठटरी के ले जा रहा है ला रहा है। तो ये प्रसाद आ चुका है और प्रसाद टेस्ट करेंगे यहाँ पे सभी का टेस्ट करें। देखो तो गाइस ये दूध है और अभी इसे पियेंगे हम, किसी को बता नहीं है। बाकी इन सबको भेज दिया मैंने, कहा आप जाओ हमारे हैं, ये देखो सबको भेज दिया और हम इसको टेस्ट करेंगे। ये देखो हाँ चलो चलो तुम ले चलो, मैं सब दिखा लो आज, काम चोर भी दिखा ली, जो काम नहीं भी करो तो दिखा लो। बाकी पहले से फिनिश करते हैं यार, आधा आधा पी देंगे इसको, आधा तो भाई पी के रहूँगा मैं आज, मैं भी भाई सब पियेंगे। ये देखो ये भी पीने वाले सब इसी के इंतजार में है। ये देखो राधा रानी जी वृंदावन धाम से आ रखे हैं, इन्होंने मोह माया त्याग दी है, राधे राधे रखते हैं बस जीवन में, कंठ में देखिए उनकी माला धारण है तुलसी की, हर जगह राधे राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये है हमारे भाई। बाकी ये प्रसाद है मंदिर में से, मंदिर का जो कि सब में बटेगा, उसके बाद अभी तैयारी चल रही है फुल, ये ताऊ जी तैयारी करने पे लगे। तो यहाँ पे अब चाय बन रही है देखो मस्त, कोई कह दी आ गया उमाल, ये देखो सब खाने पे लगे हुए और यहाँ पे प्रसाद बट रहा है। और यहाँ पे हमारे चाचा जान हमारे चहीते अरविंद चाचा जी यहाँ पे देखो माता के आशीर्वाद से यहाँ पे काम कर रहे हैं तत्पर, सुबह से आ चुके हैं चाचा, लगभग 6:30 बजे आ चुके थे आज, माता रानी का आशीर्वाद है इन पे और श्रद्धा भावना भी है पूरी। और ये देखो हमारे चाचा जी, बाकी ये देखो तुम, ये हमारी दीदी जी आ चुकी है नीरज ब्लॉग बनाते हुए। हेलो 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 के दीदी, आज यारो का भूखी छु मैं, ये देखो तो बना लो क्यों हूं, और कौन कौन है यहां, कोई तो दिख रहा है मुझे, कोई तो दिख रहा है मुझे, कोई तो दिख रहा है मुझे। नमस्ते 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 भाई नमस्ते। ये देखो यहाँ पे नारियल नारियल फोड़ा जा रहा है, दिल्ली कोरदार दे रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं आज। हेलो, तो आपको कैसा लग रहा है आज, अरे तो जो हिंदी वाले व्यूवर्स है उनको समझ में नहीं आता है ना, हम बहुत
मतलब कितने साल बाद आए आप आज यहाँ? मतलब अरे मतलब पूजा में बहुत ज्यादा साल हो गए, बढ़िया साल हो गए आपको। हाँ पुरानी यादें ताजा हो गई आज है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जल्दी कर दो। ये कौन है? ये ओमी, तू कहाँ जा रहा है भाई? ये देखो तुम। तो गाइस अभी लगभग क्या कहते हैं 4 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ घर में बिना बताए हुए मेले में, जो कि ढोंटियाल में लगता है। माताजी ने कहा कि वहाँ मत जा, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं वल लड़ाई होती है और बाकी आजकल बाघ भी लग रखा है वहाँ। तो माताजी को बिन बताए हुए जा रहा हूँ। तो माताजी पहले तो सबसे पहले हमको माफ़ करना कि मैं आपको बिन बताए हुए जा रहा हूँ। तो बाकी चलते हैं, मैंने बहाना बनाया कि मैं रेखड़ीखाल जाऊँगा। तो अभी प्लान बना है मेरा ढोंटियाल का, तो एक भाई है बाइक के साथ जाऊंगा, कृष्णा भाई का छोटा भाई है मंदीप भाई हमारा, तो उसके साथ जाऊंगा। फिर वहाँ पे मस्ती उस्ती करेंगे, बाकी आपको वहाँ का सेट माहौल भी बताएंगे, वो वाली कौतिक भी बताएंगे। A few moments later. गाइस मैं कोटरी साइड मेले में आया था, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। तो भाई साहब आपके सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे यार। आगे भाई मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपसे मिले बहुत अच्छा लगा यार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बाकी मिलते हैं आपको मेले में, रहो मजे करो, हमें भी बताना। पहली बार आए हो यार दोबारा भाई मेले में, हमें भी बताना कैसे सीन है। ठीक है तो बाद में मिलेंगे आपको, ठीक है भाई? ठीक है ओके। तो गाइस अभी मैं जस्ट घर पहुंचा हूं और अब आज बर्थडे भी है और भाई साहब आज कुछ सीनियो, आज इधर उधर घूम रहा हूं और कुछ सीनियो। बाकी पार्टी उटी तो करी नहीं, क्योंकि किसी कारणवश मैंने पार्टी नहीं करी इस बार। तो वो तो आपको दिखाना भूल, मतलब मिस हो गया वो चीज़ें आपके लिए जो सेलिब्रेशन था। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए इस वीडियो को भी। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल।